Now, नमस्कार। तो आखिरी घंटा बचा है आपकी वोटिंग का और ये पूरा घंटा आप बिताने वाले हैं हमारे साथ, क्योंकि हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पांचवें चरण में क्या कुछ चल रहा है। जिन लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है उनके पास अभी भी एक घंटे का वक्त है, तुरंत निकलिए घर से और वोट कर आइए। लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग दीजिए। आपको घरों से बाहर जाना होगा और वोट देना होगा। अगर आपकी विधानसभा में वोटिंग है आज और अभी तक आप वोट देने नहीं गए हैं तो वोट देने ज़रूर जाइए, क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे, जब आप वोट देकर आएंगे, तभी आप सवाल करने के लिए हकदार होंगे। तभी आप सवाल करने के हकदार हैं जब आप वोट दे रहे हैं। आपने जिनको वोट दिया है उनसे आप सवाल कर सकते हैं, इसलिए बाहर निकलिए, वोट देकर आइए। अब आते हैं पांचवें चरण के मुद्दे पर कि आखिर पांचवें चरण में चल क्या कुछ रहा है। तो पांचवें चरण में सुबह से लेकर अभी तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और आपको बताते चलें कि 12 जिलों की 61 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। सभी जगह से अभी तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया हो। ईवीएम खराब होने की टेक्निकल एक दो खबरें आई थी, लेकिन वो भी दुरुस्त कर ली गई, संभाल लिया गया। बाकी अन्य स्थानों से कहीं से भी कोई ऐसी घटना की खबर नहीं आई कि जहां पर स्थिति गंभीर रही हो। हालांकि कुंडा से सुबह खबर आई थी कि वहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गुलशन यादव, उनके ऊपर हमला किया गया। इसका संज्ञान प्रशासन ने लिया है और साथ ही साथ नरेश उत्तम पटेल, समाजवादी पार्टी, इन सभी ने मिलकर एक लेटर जो है, प्रार्थना पत्र जो है, वो भी दिया है चुनाव आयोग को। लेकिन इस बीच हम चर्चा कर रहे हैं कि चक्रव्यूह के पांचवें चरण में क्या कुछ होगा। चार चरण जो अभी तक हुए हैं उस पर सीधा एक तरफा दावा है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ है, ताल ठोक कर है। वो दावा ये है कि समाजवादी पार्टी कहती है कि पहले के चार चरणों में वो दोहरा शतक लगा चुकी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि दोहरा शतक उनका भी लग गया है। तो अब दोहरे शतक लग चुके हैं। हालांकि मायावती जी अभी तक कुछ नहीं बोल रही हैं। हालांकि अगर सीधे तौर पर बोलूं तो इन चुनावों में, इस बार जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, इसमें मायावती ने शुरुआत से लेकर अभी तक मायावती जी ने अपना एक भी पत्ता खुलकर नहीं खेला है। सारे जो कार्ड हैं उन्होंने छिपा कर रखे हैं और उनके लोग कहते हैं, उनके जो नेता हैं उनकी पार्टी के, वो बताते हैं कि मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग की माहिर खिलाड़ी हैं और आखिरी वक्त में सभी उनका चमत्कार देख सकेंगे। तो 10 मार्च को जो चमत्कार होगा उसके इंतजार में रहिए, ऐसा ही हर कोई कह रहा है। जो चीज़ें साफ हैं वो 10 मार्च को ही साफ हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले जो धुंधली तस्वीरें हैं, जो दरअसल चरण बाय चरण, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे धुंधली तस्वीरें, जो लगी धुंध है वो धीरे धीरे साफ हो रही है और ये धुंध बिल्कुल छट जाएगी 10 मार्च को, जब आपके सामने होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के लिए आपको हालांकि अभी काफी इंतजार करना है, लेकिन उससे पहले आज पांचवें चरण है, पांचवें चरण की जो मतदान चल रहे हैं उस बीच हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। सुबह से 7 बजे से लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम आपको लगातार एक एक पल पल की खबर, पल पल का अपडेट, एक एक चीज आपको बताती आ रही है, किस तरीके से कितने बजे तक कितना कितना मतदान हुआ है ये भी बताया गया है। इसके अलावा हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद रहे, उन्होंने भी आपको एक एक खबर, एक एक हकीकत वो आपको बताते रहे। अब हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि आखिर जो मुद्दा शुरुआत में बना था, मसलन जिन्ना का, गन्ना का, पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत तड़का लगा था, और पुराना वाला जो मसाला था कब्रिस्तान का, शमशान का, उसको भी लाने का भरपूर और भस्कर प्रयास किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चरण बाय चरण ये मुद्दे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो मुद्दे जो पुराने थे वो गलते जा रहे हैं और नए मुद्दे दरअसल उबाल पे हैं। तो इस बार जब पांचवें चरण पर हम खड़े हैं तो कौन सा मुद्दा ऐसा है जो आपको सीधे नजर आता है? तो मेरी नजर है वो ये कहती है कि हमको लगता है कि ऐसा है कि दो ही मुद्दे हैं जो प्रभावी हैं यहां पर। पहला मुद्दा तो ये है कि किसान जिससे ज्यादा परेशान है, किसान परेशान है ये छुट्टा जानवर की समस्या से। तो छुट्टा जानवर क्या बड़ा मुद्दा है, पहली चीज। और सांड, क्योंकि अखिलेश यादव की इसको लेकर ज्यादा जिक्र करते रहे, तो सांड भी क्या इसको लेकर बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आने वाले समय में वाराणसी में भी चुनाव जो है वो देखेंगे। तो वाराणसी में आप तो आजकल सड़कों पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से छुट्टा जानवर और सांड भी आपको दिख जाते हैं। तो इसको लेकर क्या यह बड़ा मुद्दा है? दूसरी चीज है फ्री का राशन। फ्री राशन इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं, जिस गरीब की थाली में सरकार का 2 रुपया भी नहीं पहुंचता,
जो ऊपर से आदेश किए जाते हैं लेकिन 2 रुपया थाली तक नहीं पहुंच पाता, उसको लेकर हम ही नहीं तमाम पत्रकार भी सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन जब फ्री राशन घर घर तक पहुंचने लगे तो कहीं ना कहीं गरीब का कल्याण तो हो ही रहा है। अब गरीब का अगर कल्याण हो रहा है और दूसरी पार्टी इसको लपक लेती है, यहां मैं बात अखिलेश यादव की कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अयोध्या में एक बात कही और उस बात का अगर मैं पूरा लबोलुआब निकालूं तो उस बात में दम है। उन्होंने कहा कि फ्री राशन हम 5 साल देंगे, हमारी सरकार बनवा दीजिए और 5 साल फ्री का राशन खाइए। लोगों को लगेगा कि ठीक है, ये बात की बात है, अब होती है पूरी कि नहीं होती है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन गरीब जिसको सुबह से लेकर रात तक एक रोटी का भी हिसाब ना लग पाया हो उसका, और उसको अगर कोई नेता आकर कह दे कि अगले 5 सालों तक फ्री का राशन मिलेगा, तो इसके बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे जो आप सोच सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कोई भूखा ना सोए, प्रधानमंत्री भी ऐसा ही कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, और ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, अन्य देशों के प्रधानमंत्री, अन्य देशों के राष्ट्रपति भी यही बात कहते हैं कि हर चीज़ ठीक है लेकिन कोई भूखा ना सोए। तो ऐसे में ये हकीकत है कि कोई भूखा ना सोए, अगर भूखा ना सोए तो इसको लेकर जो ये बात फ्री राशन वाली कही गई है, क्या ये अखिलेश यादव को फायदा देगी? क्योंकि फ्री राशन अभी जरूर योगी सरकार दे रही है लेकिन ये इनका मार्च तक ही फ्री राशन है। क्या फ्री राशन की जो योजना है इसको एक्सटेंड किया जाएगा? इसको लेकर साफ साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको सीधे तौर पर कहा है कि अगले 5 साल तक फ्री का राशन मिलेगा अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो। राजनीतिक पंडितों की माने तो उनका सीधे कहना है कि दो ही चीजें हो सकती हैं, और वो दो चीजें ये हैं कि पहली चीज, एक तो लहर नहीं है, लहर का जो कहर 2017 में देखा गया था वो लहर नहीं है। दूसरी चीज एक और बताते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है इस बार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब हमको ये सूचना दी गई है कि हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, तो हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे और स्क्रीन पर लेंगे उन मेहमानों को। संजय त्यागी साहब बीजेपी से जुड़ेंगे, संजीव चौधरी साहब समाजवादी पार्टी से, धनोज जी हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक हैं, और दीपचंद जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से हैं। तो 5वें राउंड का जो रण है उसको लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा इसलिए है क्योंकि दरअसल आज सुबह से अभी तक जनता ने अपने वोटों का खर्चा किया है, और ये जो खर्चा है और जो नेताओं का पर्चा है कितना किसका दुरुस्त है इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। 2017 की बात करें तो 2017 में सभी राजनीतिक पंडित अपनी PhD की किताब को छिपा दिए थे, और सभी राजनीतिक पंडित 2017 के बाद कुछ महीने के लिए छुट्टी पर चले गए थे क्योंकि सभी के आंकड़े ध्वस्त साबित हुए थे। सभी के आंकड़े इसलिए ध्वस्त थे क्योंकि सभी लोग जातिगत जो पूरी गणना है, जो जातिगत आंकड़े हैं उनको जोड़ तोड़ के पूरा एक अपना लबोलुआब निकाल रहे थे, लेकिन बाद में सब खत्म हुआ। हालांकि लोगों ने बाद में ऐसा भी कहा कि राजनीतिक पंडित दरअसल सिर्फ इतनी बात बताते हैं कि जब कुछ समझ ना आए तो दो ही चीज़ हैं, दो ही लाइनें हैं, उनको बोल दीजिए। पहली लाइन है अंडर करेंट और दूसरी लाइन है कि वोटर साइलेंट है। इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ संजय त्यागी साहब भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, संजीव चौधरी साहब हैं समाजवादी पार्टी से हैं, और साथ ही धनोज जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, दीपचंद जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से नेता हैं। संजय त्यागी साहब, भाई समाजवादी पार्टी वालों में जोश बहुत दिख रहा है, और उनके अंदर जो जोश दिख रहा है, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कहीं आपके जोश को हल्का तो नहीं कर रहा है, कहीं आपके कॉन्फिडेंस को कहीं तोड़ तो नहीं रहा है? देखने वाली बात यह है, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार जी। नमस्कार सर। इसमें देखने वाला विषय ये है, जो आप जिस जोश की बात कर रहे हैं उसी जोश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, प्रदेश की जनता पर पूर्ण भरोसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बेहद ही जागरूक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब परिवारवाद, पुष्टिकरण और जातिवाद के दिन लद गए हैं। ऐसे दलों की दुकानों के शटर 10 मार्च को बंद होने जा रहे हैं, और इनके जोश का ही ये सब प्रदेश की जो उसका नमूना है कि 11 मार्च की टिकट माननीय अखिलेश यादव जी बुक करा चुके हैं लंदन की, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मठ भेजने की बात करते थे वो करहल में जाकर के छुपे, और करहल में जाकर के छुपने पर भी उनका भला नहीं हो पा रहा। नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक रखिए, देखिए अगर आप कह ही रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों का कहना है
कि योगी जी मठ वापस जा रहे हैं, गोरखपुर वापस जाने वाले हैं, अगर आप बता ही रहे हैं तो स्पष्ट बताइए कि लंदन जाएंगे या फिर करहल जाएंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जी, चलिए ठीक है, चलिए स्क्रीन पर लीजिएगा। तो हमारे साथ संजीव चौधरी साहब भी हैं। संजीव चौधरी साहब, संजय त्यागी साहब का कुछ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको दुरुस्तीकरण कराएंगे, जल्दी ही कराएंगे। हमारे साथ चौथे मेहमान भी हमारे मंच पर हैं और नाम है दीपचंद जी। दीपचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देर आए दुरुस्त आए, और आपको देखा है, और क्योंकि आप देर से आए हैं तो एक बड़ी ही अच्छी एक शायरी याद आ गई, कल परसों ही सुन रहा था, कि एक गलती हमेशा कर देता हूं मैं, बस देर कर देता हूं, कहीं जाना हो देर कर देता हूं। और ऐसे में जब चुनाव चल रहा है, आप देर से आए हैं, तो ये बताइए दीपचंद साहब, संजीव चौधरी जी के पास चलेंगे लेकिन उससे पहले दीपचंद जी के पास ही चलेंगे। दीपचंद जी, पांचवें राउंड का चुनाव आ चुका है, पांचवें राउंड तक पहुंचते पहुंचते आपको क्या लग रहा है कि कुछ है कि नहीं है? सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है कि देर कोई भी हो, मुद्दा एक ही है, उत्तर प्रदेश बेटा बेचारी का। उस पर जब सवाल भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछा जाता है तो उसके जवाब भी देते हैं। इनकी बौखलाहट का कारण यही है कि बीजेपी के केंद्र में एक मिनट दीपचंद जी, देखिए जो सवाल हो उसी का जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना? अब ब्रेड के साथ अगर मैं आपको ब्रेड दूंगा तो आप उसमें बटर ही तो लगाएंगे, अब ब्रेड दूंगा उसमें आप आलू की सब्जी थोड़ी ना रख देंगे सीधे। तो आप ये समझिए कि मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि पांचवें राउंड तक आ चुका है, कांग्रेस से आप हैं, आप ये बताइए क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ होगा कांग्रेस को लिए फायदेमंद? सर मैं आपको वही तो बताने जा रहा हूँ, प्रियंका जी के नेतृत्व में 400 कैंडिडेट हमने मैदान में उतारे, ठीक है। वो तो हमारी प्रियंका जी का नारा था, लड़कियों लड़ सकती हूँ, उसके शेष नेतृत्व के द्वारा यूपी के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बाहर है, आपका सोचने का मुद्दा है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने जो जनमानस के मुद्दे यूपी के अंदर उठाए 5 साल के अंदर, चाहे उन्नाव का घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे आगरा के दलित घटना हो, क्योंकि राजनीतिक जो लड़ाई है जब चुनाव आते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपके नारे बहुत मजबूत होते हैं। जैसे अभी हमारे संजीव चौधरी साहब का कहना है, बिल्कुल आ रहा हूँ, आप एक मिनट रुकिए, संजीव चौधरी साहब का कहना है यही है, जनादेश आ रहे हैं श्री अखिलेश, और बीजेपी का तो फिक्स है कि एक बार फिर योगी सरकार, एक बार फिर ये सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया, आपके पीछे पोस्टर था बड़ा सा, उसमें 3-4 चेहरे थे, वो 3-4 चेहरे जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो अब आपकी पार्टी से कहाँ लड़ रहे हैं? वो तो अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, कोई इधर से लड़ रहा है, कोई उधर से लड़ रहा है, तो आपका तो कैंपेन वही खत्म हो गया। प्रियंका गांधी जी 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, आप ये कह रहे हैं? पार्टी का अंत आ चुका है, वो उनकी बौखलाहट के, और ये आने वाले चुनाव के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कहाँ थी और भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। आपकी लड़ाई क्या है? आपकी लड़ाई बीजेपी को हराने के लिए, आपकी लड़ाई जीतने के लिए? आप जीतना चाहते हैं कि बीजेपी को बस हराना चाहते हैं? बीजेपी को हराने के लिए लड़ाई है, हम उत्तर प्रदेश की जो वहाँ की जनता है 24 करोड़ की, उनकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे इतने सारे लोग की बात कर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प हो जाता है। मेरे साथ धनोज जी भी जुड़े हैं, धनोज जी के पास भी हम चलेंगे, संजीव चौधरी साहब के पास होते हुए धनोज जी के पास चलेंगे। बड़ा दिलचस्प है कि जैसे ही चुनाव आते हैं सभी नेता विकास की बात बड़ी दमदारी के साथ करते हैं। चलिए संजीव चौधरी जी के पास चलते हैं, फिर सीधे चलते हैं हम धनोज जी के पास। संजीव चौधरी साहब, जोश तो बहुत है आप में और अभी उत्साहित भी हैं, और कह रहे हैं कि पहले 2 चरण में ही दोहरा शतक लगा दिया है। अब दोहरा शतक अगर मैं पूछ दूंगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संजय त्यागी साहब से कहूंगा कि संजय त्यागी साहब उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया है, तो संजय त्यागी साहब कहेंगे कि हमने भी दोहरा शतक लगा दिया है। और ऐसी बात पर मेरा तो दिल करता है कि मैं ये कह दूं कि विधानसभा कम से कम 3-4 मंजिल और बढ़वा लीजिए, सब आ रहे हैं अपने 300-300 लेकर, 200-200 लेकर। तो संजीव चौधरी साहब, चलिए ठीक है, दोहरा शतक आपने लगा दिया है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन दोहरा शतक जो लगाया है
तो अब जो चुनाव रह गए हैं, आज तो पांचवा हो गया, छठा और सातवा, तो छठे और सातवें को लेकर तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि कुछ अखिलेश जी, अब तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को बकायदा अपने घर पर थोड़े दिन आराम करना चाहिए। और आप सबको तो बैंड बाजे के लिए पार्टी कार्यालयों को चमकाना, रंगवाना, पुतवाना, झालर लटकवाना, फूल माला, बढ़िया व्यवस्था, लड्डू वड्डू अभी से ऑर्डर कर दीजिए, बूंदी का ऑर्डर, लड्डू ऑर्डर कीजिए बढ़िया वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई जो अभी बोल रहे थे, इनके पास केवल एक ही मुद्दा है, परिवारवाद। इसके अलावा इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं रह गया। अरे आप परिवारवाद वाली पार्टी है वो कहते हैं ऐसा। नहीं, अब मैं बताता हूं तो पूरी बात बोल दू मैं, फिर मुझे टोक लेना। ये सुबह से लेकर शाम तक छोटे नेता से और बड़े नेता तक केवल इन्होंने एक रट्टा लगा रखी है, परिवारवाद। मैं अपने भाई से, बड़े भाई से, संजय त्यागी जी मेरे परिवार के बड़े भाई हैं, इसने इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके कम से कम 40 से 50 विधायकों के बेटों को टिकट है, एमपीओ के, और कम से कम 60 नेताओं के बेटों को टिकट है। ठीक है, गिनती मैं बता देता हूं, अगर ये गिनती वैसे त्यागी जी को पता है, त्यागी जी अभी बोलना, मैं आ जाऊं, त्यागी जी सबको जानते हैं, ये मुझे पता है कि किन किन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो बार बार परिवारवाद, ये जनता इससे ऊब चुकी है भाई साहब। जनता सुनना चाहती है विकास, जनता चाहती है नौकरी, जनता किसान चाहता है किसानों की तरक्की। अरे सुनिए एक मिनट, संजीव चौधरी साहब, 2007 के चुनावों में भी जनता विकास चाहती थी, 2017 में भी चाहती थी। तो ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो परस्पर हर 5 साल बाद लागू होते ही होते हैं। लेकिन संजीव चौधरी साहब एक बात आपसे कह लेता हूं, क्योंकि आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जो भी बीजेपी की तरफ से बैठते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हो, नेता हो, आप सबको अपना बड़ा भाई जरूर बताते हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बीजेपी के जितने हैं वो सब आपके बड़े भाई हैं। पार्टी में रहते जी, हमारी पार्टी में रहते जी, रहते पार्टी में। अच्छा, तो आपके बड़े भाई बहुत हैं बीजेपी, तो आप लोग भी मिलकर कहीं परिवारवाद तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, दो भाई इधर है, एक भाई इधर। अब मैं एक मिनट, मुझे समय दे दीजिए एक मिनट। जी सर, अब परिवारवाद के बिना इनके पास कोई टॉपिक भाई जी के पास रह नहीं गया। लेकिन अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि आप चौथे चरण में सरकार बना दी तो अब आपको करना क्या है, वो मैं बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में बाबा जी को भेज दिया था हमने मठ। लेकिन पांचवे, छठे, सातवें चरण में हमको कुछ गुजरात भेजने हैं, कुछ दिल्ली भेजने हैं, किसी का दिल्ली पलायन कराना है और किसी का गुजरात पलायन कराना है। तो जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें करके जो इंटर करके बारवा पास करवाता है उन्हें गुजरात भेजना है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। अभी सरकार हमारी बन चुकी है, लेकिन अब लड़ाई उन झूठे लोगों को है जो पूरी मशीनरी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश को ठगना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, केवल और केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माने। अब आपने ये बड़ा दिलचस्प है, देखिए बड़ी संजीव जी अब मैं सीधे सर धनोज जी के पास चलूंगा, इसके बाद फिर वापस सेकंड राउंड में संजय त्यागी साहब के साथ शुरुआत करेंगे। मैं ये बात बहुत बार बोल चुका कि जैसे ही चुनाव आता है, और बड़ी प्रैक्टिकल चर्चा है, बहुत प्रैक्टिकल चर्चा है, मैं प्रैक्टिकल चर्चा ही करता हूं कि जैसे ही चुनाव आता है, अब मैं जब चुनाव शुरू हुए थे, जब चुनाव का शंखनाद हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस किए थे, तब मैं हापुड़ इधर पश्चिमांचल में घूम रहा था, चुनाव को लेकर लोगों से मिलता था, तो लोग कहते थे कि नेता दिखते नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो नेता सिर्फ लगातार पैर छुआ छू लगे हैं, पैर छुआ छू, और गांव गांव चले जाओ तो नेता सबके पैर छू रहे, पूरे खानदान के पैर छू रहे, गाय बकरी पैर नहीं छू रहे, उठे गाय बकरी भैंस जो आ जाए सबके पैर छू रहे। तो अभी जो आपने कहा संजीव चौधरी साहब, अभी आपने एक सांस में कह दिया कि यहाँ की महिला, यहाँ का गरीब, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का शोषित वंचित सब, मुझे लगा आप ये ना कह दें कि यहाँ की गाय बकरी भैंस सब अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक दंडवत हो रहे, उठक बैठक लगा रहे हैं,
कान पकड़ के बैठक लगा रहे हैं, अरे देखिए लेकिन जनता उनको माफ नहीं कर रही। देखिए जनता उनको माफ नहीं कर रही। देखिए जिसका काम उनको करा भी जिसका काम उसी को साजे, ठीक है, और कोई करे तो फिर मजीरा बाजे। अब सुनिए मैं समझाता हूँ कैसे। आप देखिए जो आपके नेता हैं उन्होंने जनता को काम नहीं किया, उन्हें लगा कि जनता नाराज है तो उन्होंने अपनी एक्टिंग की जो क्लास थी वो चलाई, तो वो ठीक नहीं ले बैठी। ऐसे आपके भी एक नेता हैं संभल से, वो गांधी जी को देखकर ऐसा रोए कि गांधी जी आप हमें छोड़कर चले गए, वो वीडियो इतना वायरल हुआ आपने भी देखा होगा। तो कुछ नेता ऐसे हैं जो एक्टिंग में बहुत बाहर चले जाते हैं। अभी 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 जो ताजा ताजा वीडियो चल रही हैं, वो एक तो इनके विधायक महोदय साइकिल को जिताने की बात कर रहे हैं, इस साइकिल का बटन दबा दीजिए, इनके इनके विधायक बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। इनके विधायक कह रहे हैं अपनी सभाओं में, भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में इनके विधायक साइकिल के लिए वोट मांग रहे हैं, तमाम तरीके की वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि इनका इनके संतुलन खो बैठे हैं। इनको पता है कि भैया 10 तारीख में इनका बोरिया बिस्तर बंद चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को ठगा, नौजवानों को ठगा, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। आप ये तो वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो बोरिया बिस्तर बांधेंगे, आपकी सरकार आ गई तो रहने नहीं देंगे क्या आप लखनऊ में या कहीं और किसी को? बोरिया बिस्तर क्यों बांध रहे हैं? देखिए जब गलत काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, कार्रवाई तो होगी। क्या होगा? गलत काम का फल भी गलत ही मिलता है। इन्होंने तो बुलडोजर लेकर घूमे, आप क्या जेसीबी लेकर घूमेंगे? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा इंतजाम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे इंतजाम किए हुए, जिनने गलत गलत किया है उसकी जांच होगी, और ये जो जो इन्होंने कांटे बोए हैं रास्ते में वो इनको कांटे कांटे ही मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे इनको, इनको तो कांटे ही मिलेंगे, फूल नहीं बरसाए जाएंगे इनके ऊपर, इन्होंने इतना गलत किया। यदि कोई छात्र अपनी हक की लड़ाई मांगता है, संजय जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले धनोज जी हमारे साथ हैं, धनोज जी के पास चलेंगे, ठीक है, धनोज जी निकम्मी सरकार है कि छात्रों के सिर फुटवा दिए, ठीक है ठीक है, धनोज जी के पास चलेंगे, हो गया संजीव जी, ठीक है धनोज जी के पास चलेंगे। धनोज जी आप देखिए, पहले के पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण लगभग लगभग पूरा हो चुका है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यहाँ पर जिन्ना गन्ना ये ज़्यादा प्रभावी थे, ऐसे बयान आ रहे थे, स्टेटमेंट आ रहे थे, इसमें थोड़ा बहुत तड़का पुराने कब्रिस्तान शमशान इसको भी उठाकर लगाया जा रहा था, थोड़ा हींग थोड़ा हल्दी सब डाला जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इधर बढ़ रहा है, अवध से होता हुआ अब पूर्वांचल की ओर जा रहा है, तो ये सब गायब हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि फ्री राशन पर बात आ रही है, ये छुट्टा जानवर जो है इस पर बात होने लगी है। एक और चीज़ है, एक और चीज़ है दिलचस्प, जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई मैं उस दिन से परेशान था कि ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है ये यूपी के चुनाव में कब आएगा, किस दिन आएगा, किस सुबह आएगा, किस शाम आएगा, आ नहीं रहा था, लेकिन अब धीरे से इसको प्लांट करा गया है, अब ये धीरे से आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे बाहर फंसे हैं वो जो भारत आ रहे हैं उनका वीडियो देखिए इस तरीके से प्रसारित किया जा रहा है कि भारतीय सरकार सबसे पहले उन बच्चों को लेकर आ रही है। ये अच्छा भी है, लेकिन ये यूपी चुनाव में भी एंट्री पा चुका है। धनोज जी आपको धन्यवाद। दो लाइन से शुरुआत करूंगा, पांचवें चरण का है और जो यूक्रेन में भारतीय है उसकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए, सलामती के लिए ऊपर वाले से दुआ भी करता हूँ। बिल्कुल, दो लाइन से शुरुआत करता हूँ। घना कोहरा आसमान में है छाया, घना कोहरा बादल बनकर आसमान में है छाया, किधर बरसेगा यह फैसला उन्हें करने दो। देखिए जनता जनार्दन का जो वोटिंग का प्लान है वो बहुत पहले हो चुका, हम और आप चरण चरण करते रहे। आप महाभारत नहीं भूले होंगे, महाभारत में एक वाक्य हुआ था, वो था द्रौपदी चीरहरण जिसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबको पता है, आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कुछ किया ना किया हो लेकिन एक चीज जरूर रोका है उन्होंने। उन्होंने क्या रोका है कि जो एक प्रथा चली आ रही थी, उत्तर प्रदेश में माँ बहन महफूज नहीं है, उत्तर प्रदेश में शांति नहीं है, उत्तर प्रदेश जो है बदहाल है, उत्तर प्रदेश में जान माल की सुरक्षा नहीं है। किसान तक भी यह बात बोलते थे कि हमारे तंडा सुरक्षित है कि नहीं, वो टॉर्च डिबरी लालटेन जलाकर जगे रहते थे। इन सभी मिथ्या को उन्होंने खत्म किया है। और सबसे बड़ी बात आप और हम भी जानते हैं, यहाँ पैनल में बैठे सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कभी भी दंगा भड़क सकता था, ये बात भी किसी को मुस्लिम भी समझता था, हिंदू भी,
मार्केट में अपने जेब पकड़ के निकलते थे, स्वर्थ ये क्यों ना हो या 1000 क्यों ना हो, दीन को भी अगर वो जाता था तो रुपया पकड़ के चलता था। तो इन सब चीजों को उन्होंने खत्म किया। उत्तर प्रदेश की जनता भाई साहब पहले से तय कर चुका, ये चरण पादुका चलने दीजिए, ये चरण चरण जो है ना, आज पांचवा हो गया दूसरा चरण, 10 तारीख को बहुत लोग मुंह लटका के बैठेगा, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी जनता है, समझदार जनता है। ना मुस्लिम चाहेगा उसका गर्दन कटे, ना हिंदू चाहेगा उसका गर्दन कटे, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता का गर्दन का सुरक्षा और उस सुरक्षा का बीमा मैं आपको बोलता हूँ। जैसे जब लोग बोलते हैं LIC बेच दिया, माल ट्रेन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, लेकिन कोई यह नहीं बताता खरीदा को, इसलिए खरीदा। दूसरी बात, अभी मैं अपने भाई संजीव चौधरी जी को सुन रहा था, उन्होंने भी एक बात कहा, मैं आपको एक बात बता दूं बेबाकी से, परिवारवाद है क्या? परिवारवाद है कि एक पार्टी का अध्यक्ष उसका बेटा पोता छरपोता बनेगा। अरे ठीक है ठीक है, एक मिनट धनोज जी, धनोज जी, धनोज जी, धनोज जी, धनोज जी, अरे देखिए वो भड़क गए, भड़क गए दीपचंद जी, भी भड़क गए दीपचंद जी, आपको नहीं भड़कना है, थोड़ा शांत रहिए, ठीक है ठीक है। धनोज जी, धनोज जी, धनोज जी, धनोज जी, ठीक है, ऑडियो ऑडियो ऑडियो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्टर साहब ऑडियो, डायरेक्टर साहब ऑडियो डाउन करिए, ठीक है। संजीव चौधरी साहब शांत हो गए, अरे डर गए संजीव चौधरी साहब, डर गए संजीव चौधरी साहब, रुकिए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है सर। और धनोज जी अगर आप बोल रहे थे, लेकिन अगर मैं आप, मुझे दूसरा राउंड शुरू करना था संजय त्यागी साहब से, अब संजीव चौधरी जी कहेंगे दूसरा राउंड तो यहीं से शुरू हो गया। अरे न्यूज वर्ल्ड, मैं देर से आया हूँ किसी कारण, बस टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, देर को जानना चाहिए झूठ सत्य क्या होता है। परिवारवाद है क्या? परिवारवाद है कि मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, मेरा बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, इसको बोलते परिवारवाद। सत्ता की पकड़, सत्ता की पकड़ एक परिवार के हाथ में हो, क्या हुआ गांधी परिवार हो, सत्ता की पकड़ नहीं पार्टी की पकड़, चलिए ठीक है, संजय जी के पास चलेंगे। क्या हुआ आपको मैं बता दूं, क्या वो फिटिंग परिवार हो, क्या वो कोई भी मोदी का हो, फिर दीपचंद जी भड़क गए। दीपचंद जी परिवारवाद सुनते ही आप क्यों भड़क रहे हैं? दीपचंद जी वो संजीव चौधरी वाले परिवारवाद की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी वाले परिवारवाद की बात हो रही है। और संजय त्यागी साहब बहुत देर से दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। संजय त्यागी साहब सबसे पहले तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिएगा, फिर आपके पास सवाल करते हैं। देखिए देखने वाला विषय है, हम एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं और प्रदेश की जनता सुन रही है। आप देखते हैं कि ये बता रहे हैं कि बीजेपी वाले बौखला गए हैं, आप बौखलाहट स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता देख रही है कि कौन बौखला रहा है। जो राजनीतिक विश्लेषकों को भी बोलने नहीं दे रहे, उन्हें अपनी बात नहीं रखने दे रहे, और कैसा व्यवहार ये कर रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने कहा, जो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि भाई बेरोजगार। दीपचंद जी आप पर भी आएंगे, दीपचंद जी इसके बाद आप ही पर आएंगे। दीपचंद जी वो शांति से सुन रहे थे आपको, दीपचंद जी वो शांति से सुन रहे थे आपको, आप भी सुनिए ठीक है। संजय जी मेरा निवेदन है कि कृपया, मैंने सबको ध्यान पूर्वक सुना है तो सुनने की क्षमता रखनी चाहिए इंसान को। मेरा कहना कांग्रेस पार्टी के लिए है, इन्होंने कहा बेरोजगारी, हाँ बिल्कुल बेरोजगारी है, राहुल गांधी बेरोजगार हो गए, प्रियंका गांधी बेरोजगार हो गई, तो भाई साहब उन्हें बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने उन्हें बेरोजगार करने का काम किया। रही बात कांग्रेस, कांग्रेस होती है लेकिन वो है सबका उत्तर प्रदेश के अंदर, ये खाली पुलाव पका ले अपने मियां मिट्ठू बन ले, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर खाता भी नहीं खुलने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अब ये नारा ही दे सकते हैं, एक बार बार प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी, प्रियंका मौर्य को भी लाई थी, प्रियंका मौर्य कहां चली गई जो इनकी पोस्टल गर्ल थी आज भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है,
उत्तर प्रदेश की जनता किसी, मैंने शुरू में कहा परिवारवाद तुष्टीकरण और जातिवाद किसी झूठ छल फरेब बहकावे में नहीं आने वाली। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को जो सुशासन भ्रष्टाचार भयमुक्त शासन देने का काम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके अब ये ठीक है होगा। दीपचंद जी क्या कर रहे हैं? दीपचंद जी 10 तारीख को आने वाले हैं। कुछ नहीं होगा ऐसे। दीपचंद जी आप थोड़ा सा शांत रहना होगा। भाई हमारे बैठे हैं। दीपचंद जी थोड़ा सा शांत रहना होगा। और इन्होंने रोना दीपचंद जी शुरू कर दिया 10 मार्च को। चलिए ठीक है संजय जी अंतर होना शुरू कर देंगे। ठीक है संजय जी, मेरा सवाल आपसे ये था। दीपचंद जी थोड़ा सा शांत। संजय जी मेरा सवाल आपसे ये था कि आपका जो फ्री राशन का आइडिया था और जो गरीब हम गए भी थे, काफी लोग इससे खुश भी थे कि राशन घर घर तक पहुंचा, कई लोगों को राशन मिला, इसका लाभ भी मिला। लेकिन ये राशन वाला जो आपका आइडिया है, ये दरअसल अखिलेश यादव ने इसको बढ़िया तरीके से हाईजैक कर लिया है और उन्होंने जनता से साफ कह दिया है कि 5 साल तक हमारी सरकार आएगी तो 5 साल तक राशन मुफ्त मिलेगा। इसका प्रभाव है इसमें देखिए भाई साहब, इसमें देखने वाला विषय ये है, इन्होंने आज तक जो भी राजनीति की है, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं दोबारा कह देता हूं, ये कभी भी समाजवादी पार्टी, समाजवाद इनका झूठा समाजवाद है। इन्होंने प्रदेश की जनता को गुमराह करने का ही तो काम किया है। इन्होंने प्रदेश में ऐसा कोई जाति नहीं जिसको समाजवादी पार्टी ने ठगा नहीं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वो यादव भाई हो, सभी को इन्होंने ठगने का काम किया। और जो ये कह रहे हैं कि 5 साल मैं दूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अरे भाई आप क्यों प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हो? अब इन झूठे बहकावों में प्रदेश की जनता नहीं आने वाली। आचार संहिता लगने से पहले उत्तर प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी थी। किसान, नौजवान, बेरोजगार की जिनकी ये बात करते हैं, बेरोजगारी की मैंने कहा ना, अरे भाई अखिलेश यादव जी अगर आप बेरोजगार हो गए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है, प्रदेश की जनता ने आपको बेरोजगार किया है। प्रतापगढ़ में जिन छात्रों पर लाठी चल रही थी, लोग पूछ देंगे आपसे कि वो बेरोजगार थे, वो अखिलेश यादव थोड़ी ना थे। सर क्या बोलते हैं इंटर के बाद, जो प्रतापगढ़ में जो हॉस्टल के अंदर घुसकर जिन छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी, वो अखिलेश यादव थोड़ी ना थे। तो बेरोजगार कानून का राज है, अगर कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा कथित, जैसे आपने देखा, चाहे वो छात्रों की आड़ ली जा रही है, वहां छात्र नहीं थे, ऐसे ही कानून अपना काम करेगा। जैसे किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ है देश और प्रदेश की जनता के सामने है। लेकिन नहीं अगर, अगर 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 पालन नहीं होगा, आप इनकाउंटर की बात करते हैं, इनकाउंटर की आप रुकिए एक मिनट दीपचंद जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संजय जी लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका इनकाउंटर वाला जो आइडिया है वो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि आप इनकाउंटर कहते हैं, ठीक है, लेकिन इनकाउंटर कभी कभी दरअसल इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उस पर बेकसूर लोगों की भी जाने गई हैं, ऐसा हो गया तो उसके लिए अगर एनकाउंटर का, अगर आप किसी बड़े माफिया का एनकाउंटर करते हैं, मसलन विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई सरकार की, और जो गलत एनकाउंटर्स हुए, एक बैंक के व्यक्ति को मार दिया गया, एक होटल से निकाल कर उसको मार दिया गया, इन लोगों के लिए आप दोषी नहीं है क्या? देखिए अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो कानून ने अपना काम किया, भारतीय संविधान, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कानून ने सर अपना काम नहीं किया, कानून ने अपना काम नहीं किया, यही तो मसला है। दोषी जेल के अंदर, कानून ने अपना काम नहीं किया, यही मसला है। पुलिस वालों ने ही उसे मार दिया, और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन पुलिस वाले जेल के अंदर है, तो पुलिस वालों की क्या गलती है? आप पुलिस वालों को इतना बैकअप दे दिया कि वो किसी को भी उठाकर गोली मारने लगे। अरे दीपचंद जी राउंड बाय राउंड रहिए सर प्लीज अपना काम किया, आपको कबूल करना पड़ेगा। प्रवक्ता क्यों बीच में टपर, इनकी एक सीट आने वाली नहीं उत्तर प्रदेश में खाता। देखिए ये होता है दीपचंद जी, अब मुद्दा डाइवर्ट कर दिया संजय जी ने, मुद्दा डाइवर्ट कर दिया पूरी तरीके से। आप थोड़ी देर के लिए सुन लेते, हमारे पास पानी के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं, पानी के लिए तो बहुत कुछ है। आप विकास की बात करो तो आप उल्टी बात कर रहे हो, हमने ये कर दिया हमने। अरे साहब एक सेकंड, दीपचंद जी अब रुकिए, दीपचंद जी थोड़ा सा शांत, दीपचंद जी, संजय जी आप बस कुछ नहीं कर रहे हैं, संजय जी आप भड़का रहे हैं। बचपन में वो होता था ना कि छोटे छोटे बच्चे पड़ोस के घर पे जाकर उसकी कुंडी खटका कर भाग जाते थे और वो फिर भड़का रहता था पूरे दिन, आप वही कर रहे हैं।
आप मत भड़काइए संजय जी, कृपया आपसे निवेदन है मेरा। और दीपचंद जी मुझको बस इतना बता दीजिए और डायरेक्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। आप मुझको इतना बताइए कि अभी तक इतना लंबा चुनाव चला गया और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं कहने में, अखिलेश यादव ने दिन रात मेहनत की, दिन रात बीजेपी की तरफ से इनके गृह मंत्री तक यहां डेरा डाले रहे जो इनकी पार्टी के दरअसल बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर लगातार आते रहे, जनसभाएं की, सब कुछ किया, लेकिन राहुल गांधी साहब महज हाजिरी लगवाने आएंगे, उपस्थिति दर्ज करवाने आएंगे चार चरण के बाद, तो फिर आप लगते नहीं आप उत्साहित। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि जो मुद्दे उठाने थे हमने 5 साल पहले उठा रखे हैं सारी चीज के, और जनता को तय करना है कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। इसमें राहुल गांधी जी आए या नहीं आए उससे उससे मतलब ये मुद्दा क्या है, मतलब राहुल गांधी के आने या ना आने से कोई मतलब नहीं है, वो जनता को समझा नहीं सकते, नीतियां बता नहीं सकते। हमने विकास करा, मैं आपको संजय त्यागी भाई आपको मैं बताता हूँ आपने विकास जरूर किया है, मैं आपको बताता हूँ आपने विकास किया है। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर आपने 3 हवाई अड्डे बनवाए हैं, मैं डिबेट को बहुत प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि जब आप लोग जब आंकड़े पढ़कर बताते हैं तो सबको पता है, स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी गलतियां नहीं बताएंगे, आप दूसरे का ताबड़तोड़ बताने की कोशिश करेंगे। और आप कुछ भी बता दें, आप ये भी अगर बता दें कि संजय त्यागी साहब जो है दरअसल पूरे दिन सुबह उठते हैं, रुकिए दीपचंद जी थोड़ा रुकिए दीपचंद जी, अगर आप अभी ये भी बोल देंगे, रुकिए एक मिनट दीपचंद जी, अगर आप अभी ये भी बोल देंगे अभी टीवी पर कि ये जो संजय त्यागी साहब है दरअसल ये राहुल गांधी जी से फोन पर डायरेक्ट बात करते हैं, आप तो कुछ भी बोल देंगे, आप पर FIR थोड़ी ना हो जाएगी, बोलते रहिए आप जो भी बोल देंगे, ये झूठे हैं वो झूठे हैं। अब संजीव चौधरी साहब प्रोग्राम स्टार्ट होता है कहते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं संजय त्यागी जी, और दूसरे ही लाइन में बोल देते हैं कि तो झूठ बोलते हैं पूरे दिन। संजय त्यागी साहब कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वो दूसरी लाइन में कहते हैं कि झूठ बोल देते हैं। तो ठीक है, ये बढ़िया है, अच्छा लगता है। अब ये तो सबको पता है कि टीवी बंद डिबेट खत्म तो संजय जी और संजीव जी और क्या आप सब साथ ही में बैठकर गुड़ चने का नाश्ता करेंगे, बढ़िया, तो ऐसे ही रहने दीजिए, इधर उधर की बातों पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे इतना पूछ रहा था कि पूरा चुनाव दरअसल 2/3 चुनाव जो है वो इधर उधर हो चुका है, पूरा चुनाव लगभग खत्म होने को आ गया। अब राहुल गांधी जी अगर नहीं आएंगे तो कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह कैसे देखने को मिलेगा? ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने जोश भरा, प्रियंका गांधी जी ने खूब एक्टिव मोड में लाया, प्रियंका गांधी जी ने पार्टी कार्यालयों में रौनक बढ़ाने का काम किया, बाकी पार्टी को बहुत संगठन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है तो राहुल गांधी जी उतना इंटरेस्टेड लग नहीं रहे। सर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी अपने आप में, ये मत समझो कि राहुल गांधी नहीं आए तो कांग्रेस के अंदर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फीकी है। आपको मैंने स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस का हर सत्ता सिपाही अपने आप को राहुल गांधी समझ रहा है, ये आपकी सोच है कि आप किस वजह से देख रहे हैं, और हमारा संगठन हम किस सोच कह दीजिए हर महिला प्रियंका गांधी समझ रही है, फिर प्रियंका गांधी की भी जरूरत नहीं है इधर। मैं आपको हर महिला खुद को प्रियंका गांधी नहीं समझ रही है, हर महिला खुद को प्रियंका गांधी नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के तौर पर रखा है, वो आने वाले हमारे को आने वाला भविष्य तय करने जा रही है, ये स्पष्ट तौर पर मैं आपको आज बता रहा हूँ आपके चैनल पे। चलिए ठीक है, 10 मार्च को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, संजीव चौधरी साहब एक और चीज आपसे जाननी थी कि फ्री राशन वाली जो बात थी वो तो इनकी थी, आपने क्यों ले ली? क्योंकि इन्होंने आपका लैपटॉप वाला आइडिया ले लिया इसलिए आपने उनका ये वाला आइडिया ले लिया? नहीं, वो इनकी थी नहीं, इन्होंने तो केवल और केवल जनता को ठगने के लिए जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की तो इन्होंने 2 महीने राशन फालतू बढ़ा दिया। मैं इनको अच्छा मानता कि ये कहते हैं कि हम 5 साल और दे देंगे, अगर ये कहते तो ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो सीधे सीधे समझौता किया कि भैया मतलब ये सच बोलते हैं, मतलब ये झूठ नहीं बोलते, ये सच बोलते हैं कि इतने ही महीने दे पाएंगे, सीधी झूठ नहीं बोलते। दरअसल इनको पता ही नहीं था ये अब के हमारे झांसे में फंस गए। अच्छा अच्छा, समाजवादी के झांसे में, शुरू के चुंगल में ही फंस गए थे, समाजवादी के झांसे में फंस गए। हमने फांस लिया शुरू में ही, पहले चरण में हमने इनको फांस लिया था,
और हम इनको बता ही नहीं रहे कि हम कौन सा आइडिया लेके आए हुए हैं। अब ये पीछे पीछे भागते हैं हमारे, और तब तक ही हमारा पीछा करेंगे तब तक हमारी सरकार बन गई थी। तो इसलिए अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हम करें क्या, कहां जाएं, कैसे पब्लिक को झूठ बोले, क्योंकि पब्लिक जब ये टीवी पे बोलते हैं, जब ये बोलते हैं कि इंटर पास करके बारहवीं पास करिए, तो पब्लिक टीवी बंद कर देती है, बोले ये तो बोकस है, ये झूठ बोलते हैं, इनको इंटर बारहवीं का ही आइडिया नहीं पता। तो इसलिए पब्लिक इनको धुक्कार चुकी है। पब्लिक चाहती है एक अच्छा सुशासन, नौकरी चाहती है, रोजी रोटी चाहती है, ये तो कहते दंगा होता है, चाहती है, ये तो कहते दंगा होता है, शिक्षकों को नौकरी चाहिए, और सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश के अंदर वो किसानों की है। नहीं, ये तो कहते दंगा होता है आपकी सरकार में, 2013 का दंगों का जिक्र, उसका कारण मैं बताऊंगा। दंगा ही करने वाले सत्ता में बैठे, जिस दिन ये सत्ता में होते तब दंगे नहीं होते। अच्छा, तो आपकी सरकार बनेगी तो एक बार फिर दंगे होंगे, क्योंकि ये सत्ता में नहीं होंगे। नहीं, आपके तो हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, आप पिछली बार नहीं था, ठीक कर देंगे, पिछली बार आप कमजोर थे, हमें ठीक, पिछली बार आपकी सरकार कमजोर थी, पिछली बार आपके मुख्यमंत्री कमजोर थे। बहुत बढ़िया फार्मूला है। दरअसल ये क्या है, ये अपने, और अगर दंगा हो गया तो, अगर दंगा हो गया और इन्हीं लोगों ने दंगा कर दिया, आप जैसा कह रहे हैं ये लोग दंगा करते हैं, अगर इन्हीं लोगों ने दंगा कर दिया तो क्या करें? देखिए, सुनिए, क्या करें? ये क्लिप आज जो आप बोल रहे हैं, ये जो क्लिप बोल रहे हैं, नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए संजीव चौधरी साहब, अब रुकिए संजीव चौधरी साहब, आपने कहा कि हमारी जब सरकार थी तब दंगे ये करते थे, अब ये सत्ता में इससे दंगे नहीं हो रहे। अब ये मान लीजिए कल आपको फिर सरकार में आ गए, सरकार में आ चुके हैं और ये दंगा फिर कर दें, तो आपसे क्या, आपका कौन आपका कॉलर पकड़ने आएगा? या ये क्लिप निकाल के कि संजीव चौधरी साहब, देखो संजीव चौधरी साहब ये बोले थे, अब ये क्लिप दिखाऊंगा मैं कि दंगा तो हो गया संजीव। नहीं, अब ये बताइए, गलती से आपकी सरकार आ गई, इन्हीं लोगों ने दंगा करा दिया जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? ये क्लिप दिखाऊंगा संजीव चौधरी साहब, आपने तो कहा था दंगा नहीं होगा, तो इसे चाटे चूमे बिछाक सो जाए, क्या बताइए क्या करें? दंगा नहीं होगा, एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं होगा, और दंगा करने वाले को तुरंत जेल भेजा जाएगा तुरंत। अच्छा, जेड प्लस की सुरक्षा नहीं दी जाएगी दंगाइयों को, एक बलात्कारी को जेड प्लस की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। जो बलात्कारी है इन्होंने जेल से निकाल निकाल के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने दंगाइयों को निकाल निकाल के और बलात्कारियों को निकाल के जेड प्लस सुरक्षा दे दी। ये कौन सी बात करते हैं, कौन से सुशासन की बात करते हैं? ये पूरा देश देख रहा है, ये किस कलम पे काम कर रहे हैं, ये सारा देश ने देखा कि जेड प्लस सुरक्षा किसको दे दी, वॉइस रेडी सुरक्षा किसको दे दी, एक विधायक को जिसकी कोई हैसियत नहीं, उससे कहा जाइए और दंगा कराइए। ठीक है, आपकी सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है तो आजम खान साहब पर आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनको प्रताड़ित किया गया है, तो आजम खान साहब मुकदमे लगाए इन लोगों ने, तो बाहर निकालने का काम करेंगे, पैरवी करेंगे आप आजम खान साहब की, उन्हें बाहर निकालेंगे, आजम खान साहब को बाहर, हजारों आजम खान साहब को बाहर निकालेंगे आप, आजम खान साहब को, आजम खान साहब की, आजम खान साहब की पैरवी करके उन्हें बाहर निकाल कर उन्हें मंत्री बनाएंगे। अरे सुनिए, बकरी नहीं चला सकते, सुनिए, ये झूठे मुकदमे लगाए, इन्हीं मुकदमे से इन्हें भी रूबरू होना पड़ेगा। सब पर आ रहा हूँ, नरोज जी के पास, फिर संजय जी के पास आऊंगा। संजीव चौधरी साहब, इन्हें भी रूबरू होना पड़ेगा इन झूठे मुकदमों से। संजीव चौधरी साहब, आप जब बोलना शुरू करते हैं और जितनी दफा आप झूठ बोलते हैं कि झूठ 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 शब्द का जितनी दफा आप प्रयोग करते हैं, झूठ ये बोलते हैं सुबह शाम तक, इसलिए इनका झूठ शब्द ले लिया हमने, हम उस झूठ को नहीं निकलने देंगे, तोड़ हाँ। लिया हमने वो झूठ हाँ। अपनी बोलने देंगे, जिनको तुरंत जेल में भेजेंगे तो झूठ बोलेगा हाँ। सरकार हमारी 10 मार्च को बनने जा रही है हाँ। बिल्कुल निश्चितता से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनने जा रही है, इसीलिए घबराए हुए हैं, केवल इनको परिवारवाद इसीलिए झूठ बोलते हैं। नेताजी के तो आप लोग भी पैर छूते हो, नेताजी के लिए तो संजय भाई आपके नेता आपके मंत्री भी पैर छूते हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं लाएंगे? वो मालिक है पार्टी के, पार्टी बनाई उन्होंने, सींची उन्होंने पार्टी, उनका जहां मन करेगा वहां जाएंगे। आप कौन हो उंगली उठाने वाले, आप बताइए हमें, आप कौन हो उंगली उठाने वाले? लेकिन एक और चीज, गृह मंत्री से एक और चीज है, एक और चीज है, क्योंकि आपने, नहीं यार रुक गया संजीव चौधरी, आप धनोज जी के पास चले, हो गया बस संजीव चौधरी जी, कूल डाउन संजीव चौधरी जी, कूल डाउन संजीव चौधरी जी, आपने चूंकि पैर छूने वाली बात कर दी, तो एक कल परसों ही चर्चा हो रही थी हमारे सहयोगियों के साथ, तो एक वो वाक्य ध्यान आ गया जब एक मंच था और मायावती जी के
डिंपल यादव जी ने पैर छुए थे, याद होगा आपको, 2019 की बात कर रहा हूँ, याद होगा आपको। हम गालियां नहीं देते। मैंने क्या कहा आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। डिंपल यादव जी ने मायावती जी के पैर छुए थे, लोगों ने कहा बड़ा अच्छा बात है, और ठीक है वो वरिष्ठ बड़ी हैं, उनका पैर छूना अच्छी बात है, लेकिन मायावती जी के वहां भतीजे भी थे, उन्होंने नेताजी के पैर नहीं छुए। देखिए ये उनका उनका अपना सोच है, ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, इसमें समाजवादी पार्टी कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। उन्होंने क्यों नहीं छुए, कैसे नहीं छुए, हमारे हर पार्टी के नेता नेता से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक राष्ट्रीय स्तर तक सब सम्मान करते हैं सबका। 2017 वाली वीडियो दिखा देंगे संजय त्यागी साहब, अभी संजय त्यागी साहब लूप पर चलाकर वीडियो दिखा देंगे 2017 वाली, 2017 के दुरुपयोग का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है चलिए ठीक है, धनोज जी के पास, धनोज जी मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ इनके कद्दावर मंत्री विधायक चुनाव हारने जा रहे हैं, और 10 तारीख में दोबारा आपके साथ भाई साहब मुझे बुलाना जरूर, 10 तारीख में इनके ऐसे ऐसे मंत्री चुनाव हारेंगे कि ये देखते रह जाएंगे। अब और तेज, अगर और तेज टेबल पटक देते तो उससे क्या फर्क पड़ जाता, इन लोगों ने इस प्रदेश को लूट के खाया हुआ, इसलिए गुस्सा आ रहा है, ये झूठ बोलते हैं सुबह। अरे नेताजी ठीक है, गुस्सा ठीक है, गुस्से को दबा के रखिए, 10 तारीख के बाद गुस्सा बढ़िया दिखाइएगा। आपने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी का हर नेता जो है बहुत सम्मान करता है अपने से बड़ों का, तो अब ये आपको मतलब ये अब आपका पार्टी का स्टैंड हो गया है, मतलब सम्मान करना है, क्योंकि 2017 में सम्मान नहीं किया था, इसी वजह से बहुत घाटा हुआ था। नहीं ऐसा नहीं है सर, मतलब मैं उसका जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट में ही, बस 1 सेकंड में ही जवाब हो गया। दरअसल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी कैबिनेट 2012 से 2017 के बीच काम में लगे हुए थे, लेकिन हम इनकी गलत नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नहीं भाप पाए, जो ये हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पे लगे हुए थे, हम उसमें नहीं भाप पाए। 2017 की बात कर रहा हूँ साहब, 2017 की जब चाचा भतीजे में लड़ाई हुई थी, वो मंच सजा था, चाचा कह रहे थे भतीजे झूठ बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ साहब, वो भी इन्हीं ने कराया। ऐसा नहीं है, अब शिवपाल सिंह यादव आपकी पार्टी के थे या फिर बीजेपी के थे, आप कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव इनकी तरफ थे क्या, ऐसा थोड़ी ना है साहब। नहीं हमने कब कहा, आप अभी कह रहे हैं कि इनकी वजह से हो गया, नहीं हमने कब कहा इनकी वजह से हो गया, तो मंच इनकी वजह से नहीं कहा, जो सम्मान नहीं किया था चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी, ऐसा नहीं है, हमारे परिवार का अंदर का मामला है, वो हमने सब हमारा ठीक है, परिवारवाद है ना, परिवारवाद है ना, पूरा परिवार एक है। अच्छा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका सम्मान करते हैं, सिर्फ माननीय शिवपाल जी के पैर छुए थे अभी, वो तो और एक एक सीट दे दी, और एक सीट दे दी, पैर छूकर एक सीट दे दी। देखिए ये 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 शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, धनोज जी के पास, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, वो एक दे दो दे, जहां तक बैटिंग बढ़िया चल रही है वहां तक बैटिंग करिए, और जहां लगे कि हाँ बॉल बढ़िया बाउंसर आ रही है वैसे कह दीजिए राष्ट्रीय नेतृत्व का काम। नहीं ऐसा नहीं है सर, ये बढ़िया है साहब, मीठा मीठा गप गप संजीव चौधरी जी सब, और कड़वा कड़वा संजीव चौधरी जी थूक दे। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है जनता इतना ऊब चुकी है, इनको देखना पसंद नहीं करती, इनको सुनना पसंद नहीं करती, इनसे परेशान है, सुबह से शाम तक परेशान है, और मैं सुबह से शाम तक डिबेट पे बैठा लीजिए, इनका जो आदमी आएगा एक ही बात कहेगा, परिवारवाद विकास की बात नहीं करेंगे, बोल तो देते हैं झूठ बोल रहे हैं, ठीक है चलेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, पता नहीं क्या है इनके। अरे आप करते हैं साहब, आप इसलिए तो हैं, आप करते हैं साहब, आप करते तो हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो बीमारी का ही नहीं पता कि इनको बीमारी है क्या, इनको बीमारी क्या है। चलिए 10 सेकंड और लीजिए, बेमानी की परिभाषा समझा दीजिए, चलिए 10 सेकंड और लीजिए, लूट के खा लिया इन लोगों ने, ये चाहते क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा। अरे बस नेताजी, बस नेताजी, बीपी बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, धनोज जी के पास चलते हैं, धनोज जी आप सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप कुछ टिप्पणी करना चाहे तो टिप्पणी कर लीजिए, क्योंकि आप लग रहा है मुझे कुछ कहना चाहते हैं। जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए संजीव चौधरी जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनके बोलने से शायद 2-4 वोट बढ़ जाए, ये इनकी महानता हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो तय करके बैठी हुई पहले से, और वो कोई भी बोले, जो अभी बोल रहे थे चौधरी साहब, ये जो कह रहे हैं वो पैर छुआ, ये पैर छुआ, अरे वो सब अपनी जगह है, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रहता। अब महत्व है कि वहाँ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम का गला सुरक्षित है कि नहीं, वहाँ हिंदू का गला सुरक्षित है कि नहीं, वहाँ ओबीसी का गला सुरक्षित है कि नहीं, वहाँ दलित का गला सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि ये तो गला है ना, ये गला ही है तभी तो बोल रहे हैं, अगर ये गला नहीं रहेगा तो कहाँ से बोल पाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि किनके साथ रहना किनके साथ नहीं रहना,
और ये तय कर देती है उत्तर प्रदेश की जनता को, पार्टी के नेता ये नहीं कह सकता है कि वो हमको वोट दे रहे, उत्तर प्रदेश की जनता चुन रही है सरकार, आप उनको चुनने दीजिए, आप किसका पैर छू रहे किसका नहीं छू रहे उत्तर प्रदेश की जनता नहीं पूछ रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये भी नहीं पूछ रही है कि 12वीं पास करने के बाद इंटर आएगी, लेकिन आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसको भी जरा पढ़ के आया करिए। दूसरी बात कि एक आदमी क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा उसका अर्थ निकलता है, उसका अर्थ जो है बहुत जबरदस्त है, तंज का मतलब तंज ही होता है, चाहे वो तंज डॉक्टर ध्रुव कुमार करे, चाहे वो तंज दीपचंद राठौड़ करे, चाहे संजीव चौधरी करे, जनता तंज से उब चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश की लड़कियों पर तंज कसा जाता था, नोज कसा जाता था, वो स्कूल नहीं जा पाती थी, वो पढ़ नहीं पाती थी, खुद को गले में फांसी लगा लेती थी। और आपको बता दूं चीरहरण का जिक्र कर दीजिए, बड़े भाई मुझे बोलना पड़ेगा माफी के साथ, चीरहरण का जिक्र कर दीजिए, बलात्कार का जिक्र कर दीजिए, बलात्कार का जिक्र कर दीजिए, होटल में जो हत्या हुई उसका जिक्र कर दीजिए, माफ करो सुनिए, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, दोनों चीज गुनाही है, दोनों चीज गुनाही की नहीं है, धनोज जी आप सबसे पहले तो आप ठहर जाइए और सभी लोग शांत हो जाएं। संजय जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। संजीव चौधरी जी साहब आप शांत रहते हैं तो शांत रहते हैं बिल्कुल ठंडे पानी की तरह और एक झटके में उबल जाते हैं आप। बोलिए, मैं बोलूं? आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है उस मंत्री के बेटे के लिए जितने गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, उसके बारे में भी दो शब्द बोल देते, 700 किसानों की हत्या की उन्होंने, उसके बारे में भी बोल देते, क्यों नहीं बोल पाते हो? कारण क्या है? संजय जी के पास ठीक है लेकिन जब एक तरफा बात करते हैं हमें दुख पहुंचता है, ये ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे आप पीछे से पड़े पड़े भेजे गए हो, केवल वही बात बोलनी है, वही सवाल देना है, वही सवाल का जवाब देना है, ऐसा मत कीजिए। आपके हाथ जोड़ के विनती है कि जनता को ठगने का काम इनका इन ठगनकारियों के साथ मत आइए, ये ठगने वाले लोग हैं, इनके साथ मत आइए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, बहुत हो गया, चलिए धनोज जी कूल डाउन। आप बताइए और संजीव जी बताइए हमें अच्छा लगेगा, संजीव हमें खुशी लगेगी, संजीव जी बस धनोज जी ठीक है हो गया, संजय जी के पास चलेंगे, अब संजय जी के पास लास्ट राउंड और प्लीज संजीव चौधरी, आप बोलते हैं तो संजीव चौधरी जी सुनते नहीं है, अब मैं क्या करूँ? इसकी बात जनता ने सुन रही थी, मेरी बात क्यों सुने? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी की बात कान बंद कर लेती है ऐसे करके। अब हो गया धनोज जी, अब शांत हो जाइए। संजय त्यागी जी सबसे पहले जो आप जवाब देना चाह रहे हैं काफी देर से वो दीजिए, फिर आगे मैं आपसे सवाल करता हूँ। संजय जी देखिये, दुर्भाग्य ये है भाई साहब, देखने वाला विषय ये है, समाजवादी पार्टी आज और इनके कार्यकर्ता इतनी हताशा और निराशा में डूब चुके हैं
समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था नई सपा, आप और प्रदेश की जनता देख रही है कैसी नई सपा, आधी समाजवादी पार्टी जेल के अंदर से चुनाव लड़ रही है और आधी समाजवादी पार्टी बाहर से चुनाव लड़ रही है, और जो बाहर है इनका चेहरा प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुके, इनकी हताशा और निराशा और इनकी कुंठाग्रस्त मानसिकता और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्यकर्ता तो वही सीखेंगे ना जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि हम लोग सूची बना रहे हैं आने वाले समय में एक एक सूची बन चुकी है, ऐसे लोगों को हम देख लेंगे, कभी ये भूस भरने की बात करते हैं, कभी धमकाने की बात करते हैं, और संजीव भाई जो इनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं इतनी देर से देख रहे हैं आप, न ये अपनी बारी का इंतजार करते हैं, ना सभ्यता और ना नैतिकता की कोई बात करते हैं, केवल चोर मचाए शोर वो वाला काम ये करते हैं। अगर झूठ बोलोगे तो टोका जाएगा, थोड़ी बहुत सच बोलिए, नहीं रही इसीलिए प्रदेश की जनता ने इसको खदेड़ा कर दिया है। सही बात बताइए, हम सुनेंगे, हम सुनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता मत बोलिए, इनको जो पूरी तरीके से हुआ उसको बताइए, खदेड़ने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। 10 मार्च को ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे, और जो ये इतनी देर से शोर मचाए जा रहे हैं, इनके नंबर मेरे पास है, मिलेंगे और इन लोगों के फोन करूंगा 10 तारीख में, उत्तर प्रदेश भाई लोग मुझे फोन करूंगा, संजीव जी आपके पास ही आ रहा हूँ, संजीव जी लास्ट राउंड है, कैसा कर रहे हैं आप मुझे? अच्छा ठीक है संजय जी, समय 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 संजय जी, एक जिम्मेदार चैनल पर संजय जी बैठकर ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ना इनके पास शब्दों की मर्यादा है और ना इनके पास कोई सेंस बचा है। ठीक है संजय जी, ये बता, ये आखिरी चीज और बता दीजिएगा कि अभी तक जो पांचवा चरण ब्याज समाप्त हो चुका है, अभी तक क्या अनुमानित है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि हो चुकी है, अनुमानित बता दीजिए ऐसी ऊपरी ऊपर। देखिए भारतीय जनता पार्टी 240 प्लस इन पांच चरणों में कर चुकी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, ये संजीव भाई झूठी हंसी है, 10 तारीख में आप और हम फिर डिबेट में मिलेंगे। इतना त्यागी जी आपसे उम्मीद नहीं थी, आप इतना तो झूठ नहीं बोलते हो। को देखते हुए समाजवादी पार्टी के में जिस प्रकार की झूठ भेदभाव वाली राजनीति का इतना जिक्र कर दिए हैं, चले ठीक है, कांग्रेस से भी हमारे साथी है, कांग्रेस से भी हमारे साथी है, कांग्रेस से भी हमारे साथी है, इनसे भी बात। 2017 में भी तुम्हारा खदेड़ा किया था और 2022 में भी तुम्हारा खदेड़ा। ठीक है कांग्रेस, नहीं कांग्रेस से भी हमारे साथी है, ठीक है आप सर ये बता दीजिए, नहीं कांग्रेस से भी, नहीं अरे सर आप ही लोग लड़ते रहेंगे क्या, हर किसी को कांग्रेस का तो हर किसी को खुलने जा रहा भाई सब, ठीक है नहीं पूछ लेते हैं, हमसे पूछ लेते हैं, ये तो बोलने तो दीजिए, अब्दुल्ला दीवाना उस वाली स्थिति में है, शर्म बड़े शर्म का विषय है, कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए अब समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस की, कांग्रेस से आप बता दीजिए कितनी सीटें, सर बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, एक मिनट का टाइम है, आप जल्दी से बता दीजिए कि कितनी सीटें आप सोच रहे हैं, मन में लग रहा होगा कि इतना तो कांग्रेस है अभी तक कर लेगी। सर मैंने आपको क्या कहा, नहीं सीटें सीटें सर सीटें की थोड़ा ठीक है, इतना लग रहा है कि इतना तो कांग्रेस ठीक ठाक ले लेगी। मैं आपको बताऊं ना, हिंदू की बात हो ना मुसलमान की बात हो, प्रजा रोजगार है, पर निवालों पर किसी ने बात नहीं करी, सिर्फ हिंदू मुसलमान आतंकवाद पे। मैं संजय त्यागी भाई साहब, अरे सर छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है कर लीजिए, राजस्थान में आपकी सरकार है कर लीजिए, बहुत जगह आपकी सरकार है कर लीजिए, चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे, संजीव चौधरी साहब हमारे साथ है, ठीक है आगे बढ़ेंगे, आप सीटें नहीं बता रहे हैं सर, इस पर बात नहीं करी, उस पर बात नहीं करी, आप जाइए वहां पर राजस्थान में जाकर बात कर लीजिए पहले, जब राजस्थान को आप बना देंगे आइडल प्रदेश तब आप बात करेंगे, ठीक है छोड़िए हटाइए। संजीव चौधरी साहब, संजीव चौधरी साहब ठीक है, अरे सब लास्ट टाइम है मेरे पास, आई हैव ओनली 1 मिनट प्लीज, संजीव चौधरी साहब अरे ठीक है, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, संजीव चौधरी साहब, संजीव चौधरी साहब आप अनुमानित रूप से बता दीजिए कि आपकी कितनी सीटें आ सकती हैं, अभी आपको क्या लग रहा है, और ऐसा ही बताइएगा, संजीव चौधरी साहब को ऑडियो आप रखिए भाई, संजीव चौधरी साहब ऐसा ही बताइएगा कि संजय जी हंसे ना, बताइए कितनी सीटें लग रहा है कि आपको आ जाएंगी अभी तक के पांच चरण, आज तक या टोटल पांच चरण सर अभी तक, आज तक के पांच चरणों में 250 से सीट ऊपर पार कर गए। लीजिए हंसती है, हंसी की बात नहीं है, इनका सुपड़ा साफ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जैसे
जैसे उसमें बीड़ी के मंडल में पर्ची निकलती थी ना, उस तरीके से इनकी सीटें आएंगी अब की बार। आने वाले जैसे कभी पुराने टाइम में बुजुर्ग बताते थे ये बीड़ी के मंडल में, उस तरीके से इनकी सीटें आने वाली है। संजीव जी कांग्रेस को कितनी सीटें मिल जाएंगी, आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस कितनी सीटें पा पाएगी? आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें ला पाएंगे? देखिए हमें तो ये लग रहा है सारी सीटें हम ही जीतेंगे। कांग्रेस की कितनी लग रहा है, कांग्रेस की, कांग्रेस की आपको क्या लग रहा है? सर हमको तो ये लग रहा है कि जनता जनार्दन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में विश्वास रखे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अन्य घटक दल जो हमारे साथ हैं, जो दल साथ में हैं, सब सारे हम ही जीत जाएंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है। तो जब हम जीतेंगे तो सामने वाला कौन वाले? सर सब आप जीत जाएंगे, सब आप जीत जाएंगे, आप इतनी ताकत के साथ कह रहे हैं। सुनिए एक मिनट, आप सब जीत जाएंगे, आप सब जीत जाएंगे, आप इतनी ताकत के साथ कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध लग रहा है उसको भी लग रहा है आप भी जीत जाएंगे। मैं गिना दूंगा उंगलियों पे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, तमाम सीट गिना दूंगा, एक एक सीट। आप इक्का दुक्का सीट जीत रहे, बस एक एक सीट गिना दूं, एक एक सीट का दबाव है बस। ऐसा नहीं है, मैं फर्जी बातें नहीं कर रहा, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है, एक एक जिले की गिना दूंगा मैं, एक एक जिले की, और 10 तारीख में फिर वही बात आएंगी। आप क्यों इतना कष्ट करते हो? 10 तारीख में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ईवीएम का रोना रोना मेरे घर में नहीं मिल रही। आप अगर उधर मुरादाबाद साइड चले जाएंगे वहां आपको नहीं मिल रही, आगरा मंडल में चले जाएंगे वहां आपको नहीं मिल रही, आपको सीटें मिल कर रही है, आप बताएं का रोना रोना है। 10 तारीख के चुनाव नतीजों के बाद में आपको ईवीएम का रोना रोना है। किसान बैठा है ईवीएम के आगे, किसान कान से ऊपर की लाठी लिए हुए बैठा है ईवीएम के आगे। अब की बार कान से ऊंची लाठी ले रखी है किसानों ने, कान से ऊंची लाठी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कान से ऊंची लाठी ले रखी है किसानों ने। अब की बार तुम्हारा चलने वाला नहीं है, अब की बार तुम्हारा चलने वाला नहीं है। लाठी कान से ऊपर है किसानों की, ये हम नहीं बोल रहे, समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही, ये किसान बोल रहा है, किसान की लाठी। चलिए ठीक है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। 10 तारीख को भी मुलाकात करेंगे, उससे पहले भी लगातार मुलाकातें करते रहेंगे, पांचवा चरण का रण और उसको लेकर आज चर्चा। तो चर्चा का जो खर्चा है वो दरअसल पूरा इतना है कि सभी के अपने अपने दावे हैं कि इतनी इतनी सीटें आ जाएंगी, इतनी इतनी सीटें आ जाएंगी, और वादे तो हैं ही हैं क्योंकि चुनाव है, चुनाव है तो वादे होते ही होते हैं, और चुनाव है तो दावे होते ही होते हैं। लेकिन क्या ये सरकारें, ये नेता आपसे किए दावे, आपसे किए वादों पर खरा उतरी? अगर ना उतरी तो अंबेडकर साहब ने हमेशा कहा था कि परिवर्तन करते रहिए, बदलाव करते रहिए, और अगर आपके दावे और आपके वादों पर, जो इनके दावे थे और इन्होंने जो वादे किए थे, अगर उन पर खरा उतरी हैं तो भी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप इनको मौका देते रहिए। बाकी राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि ऊंचे ऊंचे मकानों से हमें क्या लेना, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, ऊंचे ऊंचे मकानों से हमें क्या लेना, ये सत्ता की कुर्सी के वोटों के लालसा में बैठी पार्टियों से हमें क्या लेना। ये सरकारें तो आती जाती हैं, हम पत्रकारों को इनसे क्या लेना। शुक्रिया।